प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश एवं एसपी के आदेश पर रीवा में सख्त हुई यातायात पुलिस। बिना हेलमेट वाहन चालकों के जब्त किए जा रहे वाहन, हेलमेट लाने पर ही पुलिस दे रही है राहत, नहीं तो हो रही है चालान कार्यवाही। नियम सभी के लिए लागू, चाहे वह प्रशासन हो या आम आदमी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हेलमेट पर सख्त कार्रवाई करनी है। जो हेलमेट धारण नहीं कर रहे हैं लोग, उसकी वजह से अपने मध्य प्रदेश में लगभग 47% जो फेटलिटी रेट है वो टू व्हीलर राइडर्स का ही है, जिसमें मोटरसाइकिल या स्कूटर चलने वाले लोग सबसे ज़्यादा बिना हेलमेट लगाने की वजह से दुर्घटना के शिकार होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। लिहाजा अब न्यायालय ने भी इसमें सख्त रवैया अख्तियार किया है और माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं हेलमेट की पूरे स्टेट में लगातार मुहिम चलाई जाए। इसी तारतम्य में 6 तारीख से 20 तारीख तक का हमें पुलिस मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुआ है कि सख्त कार्रवाई की जाए, जिसमें हेलमेट न पहनने वाला ड्राइवर और उसके पीछे बैठने वाले जो सवारी हैं उनको भी कार्रवाई के दायरे में लाया जाए। तो अब आज से ये कार्रवाई हमने चालू कर दी है। इसी संदर्भ में 2 दिन पहले जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब ने एक मीटिंग लेके, जिसमें हमारे सांसद महोदय भी थे, सभी साम्रांत शहर के नागरिकों को उन्होंने बुलाया था, सभी अलग अलग एसोसिएशन और यूनियंस को बुलाया था और उन्हें उन्होंने निर्देश दिए थे इस तरह के कि हेलमेट पहनने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने साथियों को, अपने कलीग्स को बाध्य करें और न पहनने पर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। लिहाजा एनफोर्समेंट के तहत हम कार्रवाई चालू कर दिए हैं आज और ये कार्रवाई अनवरत चलेगी। लगभग 200 गाड़ियां यहां पकड़ी गई हैं, 2-3 जगह कार्रवाई चल रही है। सिरमौर चौराहे पर भी कार्रवाई चल रही है, वहां भी उतनी गाड़ियां पकड़ी गई हैं। पीओएस मशीन से इनके चालान काटेंगे, जो नहीं कटाएंगे उनको हम कोर्ट भेजते हैं। पीछे जो बैठे हुए हैं उनके लिए भी आदेश है, पिलियन राइडर्स कहलाते हैं वो, उन्हें भी पहनना है।